हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जाम्पल कर्म से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जाम्पल में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो अभी हाल ही में आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि अभी हाल ही में आईपीएल का जो कि 14th सीजन यहाँ पर चल रहा था, तो उसकी विनर टीम बन गई है CSK, मतलब की चेन्नई सुपर किंग्स। सो उससे संबंधित ही कुछ चीजें मुझे आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम के चैंपियन की बात करें, इस वर्ष का किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 4th नंबर का टाइटल जीता है, जिसमें कि यह पहले 2010, 2011, 2018 और 2021 का टूर्नामेंट जीत चुके हैं आईपीएल का। यदि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम की बात करें आईपीएल में, तो वह मुंबई टीम है, जिसने कि 5 बार खिताब को जीता हुआ है और लास्ट टाइम 2020 में भी इन्होंने ही जीता था। इसके साथ ही कुछ इंडिविजुअल ओनर्स कुछ खिताब दिए गए हैं, जैसे कि हम गेम चेंजर ऑफ सीजन MVP एंड पर्पल कैप की बात करें, तो वह हर्षल पटेल को दिया गया है इस वर्ष। साथ ही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन एंड ऑरेंज कैप यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को दी गई है। इसके साथ ही आगे बात करते हैं, फेयर प्ले अवार्ड में राजस्थान रॉयल की टीम को मिला है खिताब। देन कैच ऑफ द सीजन रवि बिश्नोई को यहां पर दिया गया है। द नेक्स्ट है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है सिमरोन हेटमायर को दिया गया है। और मोस्ट सिक्सेस की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सिक्स जो कि कितने लगाए हैं, KL राहुल ने लगाए हैं 30। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से 100% आपको अपने आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी एक और मैं आईपीएल के ऊपर सेशन लूंगी, जिसमें कि हम लोग अच्छे से डिस्क्रिप्शन में जाकर के चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद।